प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते दो मासूमों की जान चली गई। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से और दुख को प्रदर्शित करते हुए पूरे चित्रकूट के लोगों ने एक मौन जुलूस निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सतना सांसद गणेश सिंह और कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। यही नहीं, चित्रकूट के आम नागरिक, व्यापारी, स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल हुए। दोनों बच्चों की मौत के सदमे में पूरे सतना जिले में आज बंद रखा गया है। गौरतलब है कि 12 फरवरी को अगवा हुए दो मासूमों का पुलिस पता लगा पाने में नाकाम रही थी और आखिरकार अपहरणकर्ताओं ने फिरौती लेने के बावजूद उन्हें नदी में फेंक कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार आरोपियों के भाजपा से जुड़े होने का आरोप लगाकर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सुरक्षा के लिए काम करे और बिना डर के, बिना भय के, बिना आतंक के मेरे बेटे बेटियां स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके और उनके माता पिता भी निर्भय रह सके, ये डर और आतंक का वातावरण खत्म हो। सतना वासियों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, हम अब सब दो मिनट मौन रखकर श्रेयांश और प्रियांश की दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे।